शुद्धं वशुद्धवर्णवैवहितरहितं पारये तेव सत्यम् तच्चेद्देहद्रविण जनता लोभपाशण्डमध्ये निक्षिप्तं शात्रफलजनकं शीघ्रं विवात्र विप्र। इस श्लोक पद्म पुराण का है और श्री सनातन गोस्वामी ने भी इस श्लोक को हरिभक्त विलास में सम्मिलित किया है। यदि भक्त एक बार श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भवबंधन से उबार लेगा या मुक्त कर लेगा। चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो, इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रवाह में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। अतः भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि भगवान का नाम चाहे एक साथ हो या अलग अलग उच्चारित हो, अलग अलग खंडों में, यदि अपराध रहित होकर कोई ऐसा करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। किंतु अपराध पूर्ण नाम से वांछित फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता है, उसमें समय लगता है। इसलिए यह मुख्य है कि अपराध शून्य होकर भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करना आवश्यक है। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि वह मनुष्य को सारे पापों के फलों तथा भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। किंतु पवित्र नाम का उच्चारण तुरंत फलदायक नहीं होगा यदि इसका उच्चारण पाप करने की सुविधा के लिए किया जाता है। नामाभास हितहय सर्व पाप क्षय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि कोई अपराध रहित होकर अपूर्ण रीति से भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह पाप में जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है। तं निर्व्याजं भज गुण निधे पावनं पावनानं श्रद्धारज्जन्मतिरतितरा उत्तम श्लोकमौलिं प्रोद्यन्नकरणकुमारे हंत यन्नामवानो आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वंतराशिं। हे सभी सद्गुणों के खान, आप समस्त पावन करने वालों को भी पावन करने वाले। उत्तम श्लोक शिरोमणि
श्री कृष्ण की पूजा करें। आप श्रद्धायुक्त अविचलित मन से निष्कपट होकर तथा अच्युत अत्युच्च रीति से उनकी पूजा करें। इस प्रकार उन भगवान की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के किंचित प्रकट होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा भी प्रकट्य अज्ञान के सारे अंधकार को, जो विगत जन्मों में संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भगा सकता है। नामाभास हैत हय संसारे रक्ष। भगवान के पवित्र नाम का क्षीण प्रकाश भी पाप में जीवन के सारे फलों को दूर कर सकता है। म्रियमान हरिनाम गृणन पुत्रोपचारितम् अजामिलोपि अगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। मरणासन्न अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तो अजामिल का जो नाम उच्चारण था, क्योंकि वो भगवान के उद्देश्य से नहीं उच्चारण कर रहा था, वो अपने पुत्र के उद्देश्य कर रहा था, किंतु उसका सौभाग्य था कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। और नारायण नाम भगवान का दिव्य नाम है, तो इसलिए जब पुत्र के उद्देश्य, जिसको संकेत भी कहा गया है, संकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभंगरम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेष अघरंग विदु, कि कोई भगवान का नाम संकेत में जिस प्रकार अजामिल ने उच्चारण किया, कि पुत्र के उद्देश्य वो नाम ले रहा है किंतु भगवान का नाम ले रहा है, तो ये संकेत में भगवान का नाम लेना है, तो ये संकेत कहा गया है। कोई परिहास में लेता है या स्तोभ हेलन की, कोई गीत गाता है, गीत के पद पूरण के लिए कोई हरि शब्द का प्रयोग करते हैं, या अवहेला पूर्वक कोई भगवान का नाम लेता है, तो इस प्रकार नाम लेने पर भी नाम का फल प्राप्त होता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। किंतु कोई जानबूझ करके कि वो पाप करता है और सोचता है कि भगवान का नाम लेने से पाप दूर हो जाएगा, तो फिर हम पाप करते रहेंगे और भगवान का नाम भी लेते रहेंगे, तो ये अपराध होता है। तो अजामिल ने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि ये जो नारायण नाम उच्चारण कर रहा है इससे उसका पाप दूर होगा, इसलिए वो नहीं कर रहा था। वो तो यमदूतों को देखकर इतना भयभीत था कि वो बैकुल होकर अपने पुत्र को पुकार रहा था, इसलिए उसका नाम उच्चारण नामाभास कहा गया, जो निरपराध था। किंतु कोई अपराध पूर्व करता है तो फिर वो तुरंत फल प्राप्त नहीं होता।
नामाभास मुक्ति हय सर्वशास्त्रे देखी श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। तो नामाभास में मुक्ति के संबंध में व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तो ये प्रामाणिक शास्त्रों में ये बताया गया है और इसका साक्षी श्रीमद् भागवत ये अजामिल उपाख्यान। सुनिया प्रभुर सुख बाड़े अंतरे पुनरपि भंगी करी पूछे तारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछा था और जिसके उत्तर में हरिदास ठाकुर ये बात बता रहे थे, अब चैतन्य महाप्रभु पुनः प्रश्न कर रहे हैं। पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम यहाँ सवार की प्रकारे है वे मोचन। तो महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी में बहुत सारे जीव हैं, स्थावर जंगम अर्थात जो चल नहीं सकते उनको स्थावर कहा गया, और जंगम जो चलते हैं। तो जो जीव चल नहीं पाते हैं वो कौन है? ऐसे वृक्ष हैं, ये चल नहीं पाते हैं किंतु इनमें जीवन है। तो ये सब जो वृक्षलता हैं और जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य और पशु पक्षी कीट पतंग, ये सब जंगम प्राणी हैं जो चलते फिरते हैं। तो ये बहुत जीव संसार में इस प्रकार है, तो इन लोगों का कैसे उद्धार होगा? पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता इनका कैसे उद्धार होगा? ये चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न था हरिदास ठाकुर से। हरिदास कहे प्रभु से कृपा तुमार स्थावर जंगम आगे करिया छ निस्तार। तो हरिदास ठाकुर ने कहा तो सारे चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से होता है, आपने पहले ही ये कृपा करके उनका उद्धार कर लिया है। तो चैतन्य बाबू ने किस प्रकार कृपा की है स्थावर जंगम के ऊपर और उनका उद्धार कर लिया है? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तुम्हें जे करिया छे उच्च संकीर्तन स्थावर जंगम रसे है तो श्रवण। तो जब हम लोग उच्च स्वर से मिलकर कीर्तन करते हैं, जब तो अपने लिए करते हैं धीरे धीरे, किंतु जब मिलकर संकीर्तन करते हैं भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, तो हम जितना उच्च स्वर में संकीर्तन करेंगे वो उतनी दूर सुनाई पड़ेगा, और आसपास में जितने वृक्ष लता हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, जो भी उस प्रकार हरिनाम संकीर्तन का श्रवण करेगा उस समय, तो उसका उद्धार सुनिश्चित है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया, उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन, और उनका उद्देश्य था इस प्रकार स्थावर जंगम चर अचर प्राणियों का उद्धार करना हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो इसलिए हम लोग जो जाते हैं बाहर हरिनाम के लिए, उसका उद्देश्य ये है कि जो लोग भगवान का नाम जप नहीं करते हैं कम से कम ये लोग सुन सकते हैं भगवान का नाम, और इससे भी उनका उद्धार हो सकता है। कुछ दुर्भाग्यशाली लोग भी हैं जो कान बंद कर देते हैं, भगवान का नाम सुन नहीं सकते, इतने पाप कर्म में लिप्त हैं कि भगवान का नाम सुन नहीं सकते।
तो ये कान बंद कर देते हैं तो उनका दुर्भाग्य है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने सभी के लिए ये व्यवस्था की। सुनिया जंगम रहय संसार स्थावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि है। तो जो चार प्राणी हैं पशु पक्षी आदि, तो ये जब आपके उच्च संकीर्तन को सुनते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, तो ये पहले ही भवबंधन से छूट जाते हैं। और जब वृक्ष जैसे अचर जीव से सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है। जब हम किसी जंगल में जाकर उच्च स्वर में कुछ बोलते हैं तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उसी प्रकार जब उच्च स्वर में हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि भी सुनती सुनाई पड़ती है। तो इसका अर्थ है कि जो वृक्ष लता है ये हरिनाम को सुनकर वो भी उच्चारण कर रहा है। सकल जगत हय उच्च संकीर्तन सुनिया प्रेमावेश नाचे स्थावर जंगम। जब आपके अनुयायियों द्वारा विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन होता है तो सारे अचर तथा चर जीव भक्तिमय प्रेम में नृत्य करते हैं। जैसे कला झारखंडे वृंदावन जैते बलभद्र भट्टाचार्य कही अचे न आमाते। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि इसका प्रमाण है कि उच्च संकीर्तन से कैसे वृक्षलता और पशु पक्षी उद्धार होते हैं, इसका प्रमाण है। केवल उद्धार नहीं होते हैं, वो आपके प्रेम को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं और प्रेम को प्राप्त होकर वो नृत्य करने लगते हैं। और इसका प्रमाण है जब आप झारखंड होकर वृंदावन जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु जब उच्च स्वर में संकीर्तन करते हुए जा रहे थे झारखंड जंगल में, तो वहाँ पर जंगल में जो भी हिरण व्याघ्र भालू जो भी जीव हाथी, तो ये सब चैतन्य महाप्रभु के मुख से हरिनाम संकीर्तन सुनकर ये भी प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगते थे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि बलभद्र भट्टाचार्य आपके साथ गए थे इसलिए उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे ये भी कहा। वासुदेव जीव लागे कैल निवेदन तबे अंगीकार कैला जीवेर मोचन। जब वासुदेव दत्त ने आपके चरण कमलों पर सारे जीवों का उद्धार करने के लिए निवेदन किया था और चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि हे प्रभु सारे जीवों का पाप मुझे दे दीजिए और आप सारे जीवों का उद्धार कर दीजिए, सारे जीवों के पाप के कारण यदि मुझे नरक में जन्म जन्मांतर रहना पड़े तो मैं प्रस्तुत हूँ, किंतु आप सारे जीवों का उद्धार कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सारे जीवों का उद्धार करने के लिए उनका पाप तुम्हें लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ये लोग सभी हरिनाम से उद्धार हो सकते हैं। तो वासुदेव दत्त ने जब निवेदन किया तो चैतन्य महाप्रभु ने अंगीकार किया कि वो सारे जीवों का उद्धार करेंगे हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। जगत निस्तरित तुम्हारा अवतार
भक्त भाव आगे ताते कैला अंगीकार। तो हे प्रभु, आप संसार में सारे पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए ही आपने भक्त रूप स्वीकार किया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, किंतु भक्त रूप में वो हरिनाम संकीर्तन करते हुए सारे जगत का उद्धार कर रहे हैं। उच्च संकीर्तन ताते करिला प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार। आपने हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च कीर्तन का प्रचार किया और इस तरह से सारे चर तथा अचर प्राणियों को भव बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु कहे सब जीव मुक्ति जबे पावे, यही तो ब्रह्मांड तबे जीव शून्य होवे। तो कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, यदि भगवान का नाम कीर्तन करते हुए या श्रवण करते हुए सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा तो ये संसार तो जीवों से शून्य हो जाएगा, फिर संसार चलेगा कैसे? एक साधारण प्रश्न है, लोग करते हैं, भक्तों को भी करते हैं ना। तो प्रचारकों को जानना चाहिए इसका उत्तर। चैतन्य महाप्रभु भी वही प्रश्न कर रहे हैं हरिदास ठाकुर से। हरिदास बले तुम्हार जावत मरते स्थिति, तावत स्थावर जंगम सर्व जीव जाति, सब मुक्त करी तुम्हें वैकुंठे पाठाइवा, सूक्ष्म जीवे पुनः कर्मे उद्बुद्ध करीवा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, उत्तर दिया कि हे प्रभु, जब तक आप इस भौतिक जगत में स्थित हैं तब तक आप विभिन्न योनियों के समस्त विकसित चर तथा अचर जीवों को वैकुंठ लोक भेजते रहेंगे, अर्थात उनको मुक्त कर देंगे हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से। तब आप पुनः उन जीवों को जागृत करेंगे जो अभी विकसित नहीं है और उन्हें कार्य में लगाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सारे जीवों को मुक्त कर देंगे, वैकुंठ भेज देंगे, तो ये संसार खाली हो जाएगा जीवों से। किंतु फिर भी वो संसार फिर भर जाएगा जीवों से, क्योंकि जो जीव सूक्ष्म रूप में हैं ये लोग फिर विकसित होकर आएंगे संसार में और फिर संसार भर जाएगा। तो इसलिए संसार ब्रह्मांड कभी खाली नहीं होगा जीवों से। ऐसे बहुत सारे जीव मुक्त होते हैं, बहुत सारे जीव आते हैं, ये चलता रहता है। सही जीव इबे यहाँ स्थावर हबे यहाँ स्थावर जंगम, ताहाते भरिवे ब्रह्मांड जन पूर्व सम। इस तरह सारे चर तथा अचर जीव अस्तित्व को प्राप्त होंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड पहले की तरह पूरित हो जाएगा। तो श्री प्रभुपाद जी तत्वज में यही बात कहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जब लोग ये प्रश्न करते हैं कि यदि संसार के सारे लोग आपके जैसा भक्त हो जाएंगे और उद्धार हो जाएंगे तो ये ब्रह्मांड कैसे चलेगा, कैसे भरेगा, संसार कैसे चलेगा, संसार तो शून्य हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि जैसे जेल है, तो जेल में वही लोग जाते हैं जो अपराध करते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो यदि जेल से सारे बंदियों को मुक्त कर दिया जाए
क्या जेल खाली रहेगा? जितने बंदी हैं अभी जेल में उनको सरकार ने मुक्त कर दिया। कभी कभी लोग सरकार करते हैं ऐसा किसी विशेष अवसर पर, जैसे कोरोना के समय भी कुछ बंदियों को मुक्त किया गया। तो मान लीजिए सरकार ने ऐसा किया कि सारे बंदियों को मुक्त कर दिया, क्या जेल खाली हो जाएगा या और कोई अपराध नहीं करेगा जेल में नहीं जाएगा? फिर भी लोग अपराध करेंगे और कोई ना कोई फिर जेल जाएगा, जेल कभी खाली नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार संसार में यदि जो जीव मुक्त हो गए तो बहुत सारे जीव हैं जो आएंगे फिर संसार में, फिर कर्म प्रवृत्त होंगे, ये चलता रहता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे अनेक अप्रकट जीव हैं जो प्रकट नहीं हुए हैं, अर्थात सूक्ष्म रूप में, जो तमोगुण से आच्छादित हैं। ये क्रमशः रजोगुण को प्राप्त होंगे, उनमें से अधिकांश अपने सकाम कर्मों के कारण अपराधी बनकर जेलों को फिर से भरेंगे। पूर्वे जैन रघुनाथ सब अयोध्यालया, वैकुंठ के गला अन्य जीवे अयोध्या भराया। तो उदाहरण देते हैं हरिदास ठाकुर कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र आए थे तो जब उनकी लीला समाप्त हो गई तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया, अयोध्या के सारी प्रजाओं को अपने साथ अपने धाम में लेकर चले गए। तो उसके पश्चात क्या अयोध्या खाली रह गया? फिर अयोध्या भर गया। अवतरी तुम्हें ऐसे पतिया छो हट, केहना बुझित पारे तुम्हार गुढ़ नाट। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, आप भौतिक जगत में अवतरित होकर आपने एक हाट की रचना की है, अर्थात एक योजना आपने बनाई है, और ये भी कोई नहीं जानता है कि इस योजना का क्या गूढ़ रहस्य है। आप जो चैतन्य महाप्रभु क्या योजना है, नाम संकीर्तन की योजना जो है, आप क्यों नाम संकीर्तन कर रहे हैं, क्यों लोगों को भगवान का नाम उच्चारित करा रहे हैं और नृत्य करा रहे हैं, तो आप ही जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। पूर्वे जैन ब्रजे कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर खंड हिला संसार। तो पूर्व काल में भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और ब्रह्मांड के सारे जीवों को भौतिक स्थिति से इसी तरह मुक्त कर दिया था। भगवान कृष्ण जब गए अपने धाम में, ये भी सारे लोगों को साथ लेकर गए थे। न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजे, योगेश्वरेश्वरे कृष्ण यत यद विमुच्यते। अजन्मा योगेश्वरों के भी ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के कार्यकलाप तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अय ही भगवान दृष्ट कीर्ति संस्मृत देशानुबंधनाप्यखिल सुरासुरादि दुर्लभं फलम प्रयच्छति किमुत सम्यक् भक्तिमतं इति।
भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाए, उनका महिमा गान किया जाए या उनका स्मरण किया जाए, तो भी वे अत्यंत गुह्य मुक्ति प्रदान करते हैं जो देवताओं तथा असुरों को बिरले ही प्राप्त होती है। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से भगवान की भक्ति में इस सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो इस श्लोक में कहा गया कि कोई भगवान का भगवान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है अर्थात असुरगण, या कोई भगवान का महिमा गान करता है या स्मरण करता है तो भगवान उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे असुरों का वध करके भगवान असुरों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं यद्यपि ईर्ष्यालु हैं भगवान के प्रति। तो उसी प्रकार जो भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं तो उनकी मुक्ति तो सुनिश्चित है, इसके संबंध में कोई संदेह नहीं है। तेचे तुमी नवदीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जिबेर करीला निस्तार। और आपने, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, कि आपने नवद्वीप में अवतरित होकर कृष्ण की ही तरह ब्रह्मांड के सारे जीवों का पहले से ही उद्धार कर दिया है। क्योंकि भगवान जब संकल्प करते हैं, संकल्प अर्थात इच्छा, तो भगवान की इच्छा मात्र से वो कार्य सिद्धि हो जाती, सिद्ध हो जाता। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान ने ये इच्छा की कि अधर्म का विनाश हो, धर्म की स्थापना हो, ये उनका संकल्प था। और जब अर्जुन ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान ने क्या कहा था कि तुम युद्ध नहीं करोगे फिर भी ये युद्ध होगा, और यहाँ जो लोग आए हुए हैं कोई तुम्हारे पांडवों के अतिरिक्त कोई यहाँ से लौट कर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम निमित्त बनो, निमित्त बनकर युद्ध करो, ये मत सोचो कि तुम युद्ध करके सब करेगा। तो इस उसी प्रकार भगवान का जब संकल्प होता है, इसलिए उनको सत्य संकल्प कहा गया। भगवान का दूसरा नाम है सत्य संकल्प। जिनका संकल्प सत्य होता है, उनकी जो भी इच्छा है वो सत्य होता है। जे कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर है, से जानु का मोर पुनाइत निश्चय। कोई कह सकता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझता है, वो जो भी जान सके जाने, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा तो यही निर्णय है। तुमार जे लीला महामृत सिंधु, मोरो मनोगोचर नहे तर एक बिंदु। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी जो लीला है ये अमृत के सागर के समान है, और मेरा मन, मेरे मन में उस सागर की, सागर का एक बिंदु भी हमारे गोचरीभूत नहीं होता है, अर्थात हम जान नहीं पाते हैं। आपके लीला के अमृत रूपी सागर की एक बूंद के संबंध में भी हम जान नहीं पाते, फिर लीला के सागर को क्या समझे। एता सुनी प्रभु रमने चमत्कार हैल, मोरो गुढ़ लीला हरिदास के मने जानिल। तब यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए।
उन्होंने सोचा कि ये तो वास्तव में मेरी गुह्य लीलाएं हैं, मैं इसलिए अवतरित हुआ हूँ, और ये हरिदास ठाकुर कैसे पता चला कि मैं क्यों अवतरित हुआ हूँ। मनेर संतोषे तारे कैलालिंगन बाह्य प्रकाशिते सब करिला वर्जन। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर हरिदास ठाकुर का उन्होंने आलिंगन किया और हरिदास ठाकुर को निषेध किया कि तुम जो कह रहे हो अभी, क्या कह रहे हो कि मैं इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सारे जीवों का उद्धार करूँगा, इसको तुम बाहर में प्रकाशित मत करना है। ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य चाहे आच्छादित भक्त ठाई लुकाइत नारे है तबित। तो ये भगवान का स्वभाव है, ईश्वर स्वभाव क्या है कि अपने ऐश्वर्य को वो गोपन रखना चाहते हैं, आच्छादित कर रखना चाहते हैं, किंतु भगवान अपने भक्तों के सम्मुख अपने ऐश्वर्य को गोपन नहीं रख सकते। भक्त लोग पहचान लेते हैं भगवान, जो भक्त नहीं है वो भगवान को पहचान नहीं सकते। उनके सामने हो सकता है कि भगवान अपने स्वरूप को आच्छादित कर दें, किंतु भक्तों के सामने भगवान अपने को आच्छादित नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में जब भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए थे रासलीला से, तो गोपियाँ उनको खोज रही थी, कुंज कुंज में जाकर वृक्ष लताओं से पूछकर कि कृष्ण कहाँ हैं, और कृष्ण नहीं मिल रहे थे। तो कृष्ण ने सोचा कि हाँ, हम कृष्ण रूप को त्याग करके हम चतुर्भुज नारायण रूप के रूप में कुंज में उपस्थित हों तो हम देखेंगे गोपियाँ क्या करते हैं, क्या सोचती है। तो चतुर्भुज नारायण के रूप में एक कुंज में उपस्थित हो गए, और गोपियाँ जब उस कुंज में पहुँची और उन्होंने देखा कि भगवान नारायण, तो उन्होंने प्रणाम किया और कृष्ण रूपी नारायण से पूछते हैं कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं, आपको पता है क्या? तो वो फिर आगे निकल गई, जब किंतु श्रीमती राधारानी जब आई तो कृष्ण अपने को छिपा नहीं सके, उनके नारायण मूर्ति के जो एक्स्ट्रा दो हाथ थे वो अपने आप लुप्त हो गए, और कृष्ण अपने रूप में आ गए। इसलिए श्रीमती राधारानी के सामने अपने को वो आच्छादित नहीं कर सके। उल्लंघित त्रिविध सीमा समाति साई संभावनं तव परिवय बढ़िम स्वभाव मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानं पश्यन्ति केचिद् निसंतदनन्यभावः। ये जमुनाचार्य कृत स्तोत्र ये है कि हे प्रभु, भौतिक प्रकृति में हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित होती है, किंतु आपके गुण अतुलनीय तथा अद्वितीय होने के कारण सदैव ऐसी सीमाओं से परे होते हैं। आप कभी कभी ऐसे गुणों को अपनी शक्ति से छिपा लेते हैं
किंतु तो भी आपके अनन्य भक्त आपको सभी परिस्थितियों में देख सकने में सदा समर्थ होते हैं। तबे महाप्रभु निज भक्त पासे जाया हरिदास रघुण कहे सत मुख हया। तो जब हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रश्नों का उत्तर सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और हरिदास ठाकुर के पास से जाकर अपने भक्तों से मिले और अपने भक्तों को हरिदास ठाकुर के गुण वर्णन करने लगे। और जब हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उस समय ऐसा वर्णन कर रहे थे जैसे वो सतमुख में हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन कर रहा है। भक्ते रघुण कहित प्रभु बाड़े उल्लास भक्तगण श्रेष्ठता श्री हरिदास। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कोई भक्त के गुण का वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान देखते रहते हैं कि उनके भक्त कैसे उनकी सेवा करता है और उसका गुण कैसा है, भगवान देखते रहते हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबके भाव को जानते हैं कि कौन भक्त किस भाव से सेवा करता है। इसलिए भगवान अंतर्यामी सभी के भावों को जानते हैं। इसलिए भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं, किसी भक्त पर, उसके गुणों से, उसकी सेवा भाव से, तो भगवान क्या करते हैं, उस भक्त की प्रशंसा करते हैं। और जब प्रशंसा करते हैं वो स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं जब अपने भक्तों का गुणगान करते हैं दूसरों के सामने। और यहाँ पर सारे भक्तों में श्रेष्ठ हरिदास ठाकुर हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं दूसरे भक्तों के सामने, तो चैतन्य महाप्रभु कितने प्रसन्न नहीं हुए हो। तो अत्यंत प्रसन्नता के साथ वो सतमुख होकर हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन कर रहे हैं दूसरे भक्तों के सामने। हरिदास रघुण गण असंख्य पर केह कौन अंश बने नहीं पायो पार। तो हरिदास ठाकुर के दिव्य गण असंख्य हैं और अपार हैं, जिसका पार नहीं पा सकता अर्थात अगाध। कोई उनके एक अंश का वर्णन भले कर सके किंतु उन सब की गणना कर पाना असंभव है। चैतन्य मंगल श्री वृंदावन दास हरिदास गुण किछु करिया छेन प्रकाश। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में हरिदास के कुछ गुणों का वर्णन किया। तो यहाँ वृंदावन दास ठाकुर, हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत के रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर, किंतु पहले उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के संबंध में लिखा था तो उस समय चैतन्य भागवत का नाम था चैतन्य मंगल। बाद में लोचनदास ठाकुर ने दूसरा चैतन्य मंगल जब लिखा तो उन्होंने नाम परिवर्तन करके इसको चैतन्य भागवत कर दिया था। इसलिए यहाँ चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं ये कहा जा रहा है। तो उसी चैतन्य भागवत में, चैतन्य मंगल अर्थात चैतन्य भागवत में, वृंदावन दास ठाकुर ने हरिदास के कुछ गुणों का इस प्रकार वर्णन किया है। स
सब कहा न जाए हरिदास चरित्र केह किछु कहे करिते आपन पवित्र। तो हरिदास ठाकुर के सभी गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अपने आप को पवित्र करने के लिए उनके विषय में कोई कुछ कह सकता है। तो जब कोई भक्त किसी महान भक्त का गुणगान करता है तो उससे उस भक्त को क्या लाभ मिलता है कि वो पवित्र हो जाता है। जब हम किसी महान भक्त का गुणगान कर रहे हैं तो हम पवित्र होते हैं, और जब हम किसी भक्त की निंदा करते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वो अपराध हो जाता है। तो इसलिए भक्तों का हर समय गुणगान करना अच्छा है कि हम पवित्र हो सके और भक्तों की निंदा से बचे। क्योंकि भक्तों की निंदा करने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, उसका अपराध होता है और वो अपवित्र हो जाता है अपराध के कारण। वृंदावन दास जहाना कैल वर्णन हरिदास गुण किछु सुना भक्तगण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास के जिन गुणों का वर्णन नहीं किया है, अब हे भक्तगण मैं उनमें से कुछ गुणों का वर्णन ये चैतन्य चरितामृत में कर रहा हूं। हरिदास जब निज गृह त्याग कैला बिना पुलेर बन मध्य कत दिन रहिला। तो हरिदास ठाकुर हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्म ग्रहण किए थे, किंतु बचपन से वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो जब हरिदास ठाकुर ने बाद में घर छोड़ दिया तो बेनापोल के जंगल में वो कुछ दिन के लिए रहे। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं इस बेनापोल के बारे में कि बेनापोल गांव जसोहर जिले में स्थित है, बांग्लादेश में है, जो अब बांग्लादेश में है। यह गांव बनगांव स्टेशन के पास है, जो कि बांग्लादेश की सीमा पर है, और जहां कलकत्ता के सियालदह स्टेशन से पूर्वी रेलवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर और बांग्लादेश का भी बॉर्डर, तो ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश साइड में है बेनापोल गांव, और इस साइड में वेस्ट बंगाल का बना का बनगांव स्टेशन। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र के जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप तथा कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक प्रगति करना अत्यंत सरल है। कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और कृष्ण भक्ति में अग्रगति करना ही बहुत सरल है। क्या सरल नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सरल है।
बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है, प्रभुपद कहते हैं। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर, तुलसी का पौधा लगाकर तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। हरिदास ठाकुर नित्य प्रतिदिन अपनी माला में 300,000 बार नाम जप करते थे। वे दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नामों का जप किया करते थे, किंतु किसी को हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अन्य कोई भी एक दिन में 300,000 नाम जप नहीं कर सकता। ऐसा जप मुक्त पुरुष के लिए है। जो मुक्त पुरुष हैं वही 300,000 कर सकते हैं, इसलिए हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा जप, हाँ, हम उनके दृष्टांत का पालन नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके तथा तुलसी के पौधे को आदर प्रदान करके कर सकते हैं। यह किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। और तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। इसलिए हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, न ही तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ब्राह्मणेर घरे करे भिक्षा निर्वाहन, प्रभावे सकल लोक करे पूजन। तो शारीरिक पालन पोषण के लिए हरिदास ठाकुर ये किसी एक ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लेते थे। ये आध्यात्मिक रूप से इतने प्रभावशाली थे कि आसपास के सारे लोग उनकी पूजा करते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर नित्य प्रति भगवान का नाम लेते रहते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे और दिन में एक बार भोजन करते थे। ये नहीं है कि जब मांगने जाते हैं और मिल रहा है तो कुछ अधिक मांग कर ले आए जिससे कि 3 टाइम हमारा हो जाएगा भोजन, ऐसा नहीं करते थे। केवल जो मांग कर लाए 1 टाइम उसको खा लिया बस, और बाकी समय भगवान का नाम जप करते थे। तो ये ब्राह्मण के घर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि ब्राह्मण के घरों में सालग्राम शिला होते थे, आजकल ब्राह्मण के घर में नहीं मिलेंगे, किंतु पूर्व काल में ब्राह्मण के घर में सालग्राम शिला होते थे और ब्राह्मण लोग भोग लगाते थे भगवान, और भगवान को भोग लगाने के लिए बिना प्याज लहसुन का भोग लगाना पड़ेगा। इसलिए हरिदास ठाकुर ब्राह्मण के घर से ये प्रसाद भिक्षा के रूप में प्राप्त करते थे और इससे उनके नियमों का पालन हो जाता था, बिना प्याज लहसुन के और प्रसाद मिल जाता था। और दूसरे लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए ब्राह्मण के घर में ही वो भिक्षा मांगते थे।
शहीद साध्यक्ष नाम रामचंद्र खान वैष्णव विद्वेषी सही पाषंड प्रधान। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक घटना का वर्णन करने जा रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ने जब गृह त्याग दिया और बेनापल के जंगल में रहते थे और पास के गांव में जाते थे भिक्षा करने के लिए और इस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे और प्रतिदिन 300,000 नाम जप करते थे। तो अब एक घटना का वर्णन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए कुछ षड्यंत्र रचा गया और हरिदास ठाकुर ने उस षड्यंत्र का कैसे सामना किया, क्योंकि भक्त लोग जो भगवान के ऊपर निर्भरशील होते हैं भगवान उनको बुद्धि देते हैं, चाहे कोई कितना षड्यंत्र क्यों ना करे, चाहे कोई ईर्षा भाव पोषण करें या कुछ भी करें, तो जो भक्त भगवान के ऊपर निर्भरशील हैं तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं कैसे उस स्थिति का सामना करना है। तो हरिदास ठाकुर ने कैसे सामना किया उस स्थिति को, तो इसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे।